तो चलिए आज हम ये ग्रीन मूंग दाल, ये हरी साबुत दाल सबके घरों में होती है ना इंडिया में, आज हम यही आपको इससे पूरा एक लंच की रेसिपी बना के दिखाएंगे 10 मिनट के अंदर। ये प्रोटीन रिच लंच अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करें नीता, हाँ बताइए। तो सबसे पहले देखिए, तो ग्रीन मूंग दाल है, वॉश करके अब रात को इसको पानी में भिगो के रख दीजिए। ओके, तो इसको ओवरनाइट हमें सोक करना है यहाँ पर, तो रात को भिगोना याद रखिएगा। हमने यहाँ पे भिगो दिया है और अब हाँ, फिर ये देखिए। अब इसको हम रफली चॉप करेंगे, रफली चॉप कर रहे हैं। और ये देखिए, इसमें हम कोई सब्जी यूज नहीं करेंगे। आपके लिए ये प्रोटीन रिच होलसम लंच बन रहा है, बहुत आसान है। आप इसको ऑफिस लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं, टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हैं। और अब हम इसको चॉप करके ले आएंगे, हाँ, रफली। हाँ ओके, तो ये देखिए, तो देखिए ये चॉप कर रही है नीता तब तक। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शनल है, तो ये देखिए ये चॉप हो गया है रफली हमारा। ऐसे दरदरा ही इसको पीसना है हमें। हाँ, ओके, अब क्या करेंगे नीता? अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए, इसको अब हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये देखिए, बोल में इसको ट्रांसफर करा हमने। अब इससे कैसे बनेगा ना लंच, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, बहुत ही आसान है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम इसमें ऑप्शनल है प्याज डालेंगे। हाँ हाँ ऑप्शनल है प्याज, हाँ। अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हरा धनिया डालें, हरा धनिया आप पालक भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा और हेल्दी बनाना हो तो। ओके, ग्रीन चिली हाँ, अगर आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से। तो ये ग्रीन चिली अब हमने यहाँ पे डाल ली है। और ये देखिए, अब हमारे मसाले हम इसमें डालेंगे। तो देखिए कितनी शानदार ये रेसिपी बन रही है ना। थोड़ा सा काला नमक, हाँ हाँ ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, चाट मसाला इसको टेस्टी कर बनाने के लिए, और नॉर्मल नमक और सॉल्ट एज पर टेस्ट। और बच्चों के ग्रीन लिए, चिली हमने डाली है इसलिए रेड चिली थोड़ी सी। और देखिए बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो आप कम इसमें मिर्ची डाल सकते हैं, चॉइस आपकी है। जीरा डालेंगे, कच्चा ही है, और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी यानी कि टर्मरिक। तो देखिए घर में अवेलेबल होती है ग्रीन दाल, कितनी अच्छी है रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब ये स्टफिंग हमारी यहाँ पर रेडी हो रही है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये बन गया, बन गया स्टफिंग। और देखिए कितना अच्छा ये मिक्सचर लग रहा है ना। तो ये अब हम देखिए, इसमें आटा, हमने गेहूं का आटा लिया नॉर्मल रोटी वाला, तो ये मैंने लगा के रखा है। ओके, अब एक लोया लेंगे। तो देखिए अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। हम आए हैं विद द लवली मॉम नीता राम जी के संग। पिछले हफ्ते उन्होंने हमें भुट्टे का परांठा दिखाया था, स्वीट कॉर्न भुट्टा सीजन में चल रहा है राइट अभी, उसका परांठा आप कैसे बना सकते हैं। इस बार वो दिखा रही है हमें मूंग दाल का परांठा, ग्रीन मूंग दाल का परांठा जो हर घर में अवेलेबल रहती है। जिस दिन सब्जी ना हो तो आप इंस्टेंट इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी हमने इसको रोटी इतना के, और ये इसमें ऐसे डालेंगे। तो खूब सारी यहाँ पे देखिए स्टफिंग डाली है हमने, कितना सुंदर लग रहा है, मन कर रहा है खाने का। तो लाइक जरूर करिए, आप भी बताइए ये आइडिया आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा, यूनिक लगा, नया लगा, इसको फोल्ड कर देंगे। यूनिक और नया लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। ये बहुत ही शानदार रेसिपी देखिए बन रही है, सिंपल आसान, आप आज ही डिनर में इसको बना सकते हैं। ऐसा पिक्चर, इसको ऐसे ये करना है प्रेस, तो अंदर जो एयर रहेगी वो निकल जाएगी, और फिर इसको लाइट हाथ से एकदम ऐसे बेल देंगे, तो देखिए इजी होगा ये। हाँ, ये देखिए, तो ये देखिए बन गया। तो अब इसको फेंकते हैं हम यहाँ पर, और घी में ही सेकेंगे। और नीता जैसा कि आप बता रहे थे, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है ना, दाल नहीं खाते बच्चे राइट, तो रहता है। हाँ, तो आप इसको अपने हिसाब से पालक भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते, पनीर भी डाल सकते हैं, जैसे भी हम चाहते हैं हम कर सकते हैं राइट। तो कितना अच्छा आइडिया है ना, ये नई नई मॉम्स के हम जाते हैं ना तो नए नए आइडिया मिलते हैं। पिछले हफ्ते हमें नीता ने भुट्टे का आइडिया दिया, इस बार ग्रीन मूंग दाल का दिया। तो उनकी यूनिक रेसिपीज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अब हम इसको तेल या घी जो भी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिए। तो ये देखिए हमारा पराठा यहाँ पर बन रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। और यहाँ पर इसको कितना अच्छा यहाँ पे क्रिस्पी बन रहा है, इसको पलट लेंगे।
और ये देखिए पराठा हमारा रेडी है। अगर आपको भी अच्छा लगा ये आइडिया तो लाइक जरूर करिएगा, नीता को जरूर बताइएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। नीता ने वैसे देखिए दही के संग रायते के संग बहुत टेस्टी लगता है, तो आप भी जरूर खाइएगा। मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।